जिंदगी का सबसे बड़ा होप यह है कि मैं जो भी फिल्म बनाऊं बहुत ज्यादा लोग देखकर उसको खुशी महसूस करें, कमाई के लिए नहीं। और एक दिन हिंदुस्तान में एक ऐसी फिल्म बनाऊं, मैं बड़ा इस मामले में नेशनलिस्ट हूं, कि ऐसी फिल्म बनाऊं कि दुनिया देखकर कहेगा इंडिया के अंदर बेस्ट फिल्म बनती है। तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, दैट्स माय ड्रीम। 2016-17-18 SRK के करियर का सबसे डाउन फेज था। SRK की फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, चाहे वो जीरो हो, फैन हो या जब हैरी मेट सेजल। फर्स्ट डे कलेक्शन तो SRK के नाम पे अच्छा खासा हो जाता, लेकिन उसके बाद ऑडियंस उनकी फिल्मों को सिरे से नकार देती। कुछ लोगों ने तो इसे SRK का करियर का एंड घोषित कर दिया, लेकिन बाजी पलटने वाली थी और बाजी पलटी भी। 2023 में SRK की पठान रिलीज हुई और मानो सबके समीकरण धरे के धरे रह गए। पठान ने नया टारगेट सेट कर दिया, पठान हाईएस्ट ग्रॉस ओपनिंग वीकेंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 300 करोड़ के पार। फिर भी कुछ लोगों ने इसे मात्र एक तुक्का बताया कि SRK की फिल्में 4 से 5 सालों से नहीं आई तो लोग देखने के लिए चले गए। फिर 6 से 7 महीने के बाद शाहरुख खान की जवान रिलीज होती है और वो पठान के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो मैं यहीं खड़ा हूँ, उखाड़ लो इतनी मेरा। हाँ, मैं नहीं उखड़ूंगा, मैं काम करता रहूंगा भाई। अब जो कल तक SRK के करियर के एंड पर ठप्पा लगा चुके थे, वो आज उसी SRK को बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा बता रहे हैं। तो ऐसा क्या शाहरुख खान ने बदल डाला कि फिल्म रिलीज होते ही उस पर सुपरहिट का टैग लग जाता है? इसका पहला कारण है उनकी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अमूमन फिल्म रिलीज से पहले होता क्या है कि बॉलीवुड में 3 से 4 महीने पहले ऑडियंस में हाइप क्रिएट करने के लिए एक ट्रेलर रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद फिल्म की कास्ट किसी भी रियलिटी शो में जाकर अपनी फिल्मों को डायरेक्ट प्रमोट करती है। फिर 1 महीने पहले एक और ट्रेलर रिलीज होता है। लेकिन SRK ने पठान और जवान के समय ऐसा नहीं किया, लोगों को कम से कम कंटेंट दिया, जिससे उनकी फिल्मों की हाइप और वैल्यू दोनों बढ़ गई। बीच बीच में वो अपने फिल्मों के पोस्टर ग्लिम्स सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं ताकि ऑडियंस इंगेज रहे। SRK ने जो सोचा था वैसा ही हो रहा था, जनता काम पर लग चुकी थी, फिल्मों की बातें शुरू हो चुकी थी, SRK चाहते भी यही थे। उसके बाद ऑडियंस खुद मूवीज की बात किया करती थी और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी हो रही थी। जैसे कि ट्रेलर आने से कुछ दिन पहले यूट्यूबर्स ने लाइक पीजी एक्सप्लेन एंड योगी बोलता है ने वीडियो डाली थी कि ट्रेलर किधर है। तो मतलब यूट्यूबर्स को तुम खुद कंटेंट दे रहे हो, जिसकी वजह से उनके व्यूज बढ़ रहे हैं और तुम्हारा प्रमोशन भी। इसके अलावा शाहरुख खान जवान और पठान के रिलीज से पहले ट्विटर पे Q&A सेशन रखते हैं, जिसमें वो ऑडियंस के क्वेश्चन का सर्विस रिप्लाई देते हैं, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आता है, जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया के साथ साथ यूट्यूबर्स भी कवर करते हैं। लो जी, हो गया प्रमोशन। बिना किसी न्यूज चैनल या यूट्यूबर्स के पास गए बगैर काम भर मसाला उनको दे दिया, जिसपे बहुत बातें होती है जो हाइप बढ़ाने के लिए काफी है। और ये यूनिक स्ट्रेटेजी काम भी कर रही है और रिजल्ट आपके सामने है। एक बात और बता दूं कि आने वाले कुछ समय में कुछ एक्टर्स इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। फिल्म चल गई तो ठीक है, नहीं तो ठीक ही है। अगर आप SRK की पिछली 7 फिल्में देखेंगे तो सबके डायरेक्टर्स अलग अलग है। वो अलग बात है कि इनमें से उनकी पिछली 5 फिल्में नहीं चली, और इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने के चक्कर में उन्होंने यंग और टैलेंटेड एक्टर सिद्धांत आनंद को भी एक मौका दिया। फिर क्या, 2023 में SRK का फ्लॉप का सिलसिला टूटा और पठान ने बॉक्स ऑफिस के भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके बाद SRK ने साउथ के डायरेक्टर एटली कुमार के साथ जवान में काम किया, जो कि ये भी उनकी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अगर अब SRK चाहे तो ऐसे ही मास मसाला फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के साथ आसानी से कई सालों तक खेल सकते हैं। लेकिन अब वो राजकुमार हिरानी की डंकी करने जा रहे हैं, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। इनके एक्सपेरिमेंट को देखकर लगता है कि शाहरुख खान एक्सपेरिमेंटल एक्टर के साथ साथ एक विजनरी एक्टर भी हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आने वाला समय किसका है। तभी तो 2011 में शाहरुख खान ने रावण जैसी सुपर हीरो मूवी बनाई, जिसमें भर भर के VFX था। लेकिन जनता उस समय उस फिल्म के लिए तैयार नहीं थी, नहीं तो आज जिसे भी सिनेमा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है वो रावण को VFX लोडेड मास्टरपीस की तरह देखता है। भले ही इसकी कहानी से ऑडियंस अपने आप को कनेक्ट न कर पाए, लेकिन जब इंडियन सिनेमा में VFX की बात होती है तो रावण का ही एग्जांपल दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप वही पुराने फॉर्मूले पर फिल्म बनाओगे तो थोड़े बहुत पैसे तो कमा लोगे और फिर एक ढांचे में सिमट कर रह जाओ, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, ऐसे और भी कई एक्टर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते। एक फिल्म में एक्सपेरिमेंट किया, फिल्म नहीं चली तो वापस वही पुराना फॉर्मूला। तो फिर रिकॉर्ड सेट कैसे करोगे? सुपरस्टार का तमगा बॉलीवुड में ऐसे ही नहीं मिलता। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्हें समय रहते समझ जाना चाहिए, नहीं तो बुझते दिए की तरह फड़फड़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। इस मामले में शाहरुख खान इन सब एक्टर्स से अलग है। भले ही उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हों, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है और यही कॉन्फिडेंस उन्हें औरों से अलग बनाता है। अपने ऊपर भरोसा रखना, और उस जवानी उम्र के अंदर तो ऐसा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता ही है और आदमी गलती करता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना। अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? अब तो दुनिया मानती है। मैं ये मेरा मैं क्लियर बदले नहीं है। 22 साल पहले मैं खूबसूरत था, मैं इंटेलिजेंट था, एरोगेंट था, और अभी भी मैं वैसा का वैसा। कई बार वो कह चुके हैं कि वो सुपरस्टार हैं और वो उस स्टारडम को एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं आपसे बात कर रहा था, आई टेल यू ऑनेस्टली, हाँ ऐसा बोल दूं? बोलो ना। आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स।
ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्में नहीं चलती तो वो चुप हो जाते हैं, फिल्में चले ना चले वो अपने इस स्टेटमेंट से नहीं हिलते। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड है कि उन्होंने जो कमबैक किया है सुपरस्टार की तरह किया है, जनता के दिलों में ऐसा घर कर गए हैं कि जनता चाहकर भी उन्हें अपने दिल से बाहर निकालने को तैयार नहीं है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने आप पर कॉन्फिडेंस सारे स्टार्स में होना चाहिए, ये वो सब चीजें हैं जो कि एक स्टार को सुपरस्टार बनाने में हेल्प करती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं एसआरके की फिल्मों के बारे में। आप किस पॉइंट से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, और आपको पठान और जवान में कौन सी फिल्म अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।